हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन नॉलेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस का जो विभाग है उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। एमए का प्रीवियस और फाइनल का जून सेशन का। चलिए हम लोग देखते हैं इस रिजल्ट को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखना है DDELNMU, लिख के सर्च करना है। इसको सर्च करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे पहला लिंक जो है DDE@LNMU करके, और ये इसका लिंक है DDELNMU.ac.in, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसका जो होम पेज है वो ओपन होगा। ये इसका होम पेज है डिस्टेंस विभाग का, ललित नारायण दरभंगा का जो डिस्टेंस विभाग है उसका ये होम पेज है। इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे नोटिस बोर्ड लिखा हुआ है। इस नोटिस बोर्ड में यहाँ पे जितना भी नया नोटिफिकेशन न्यूज, जो भी कुछ रिजल्ट या फिर एडमिट कार्ड जो भी आता है डिस्टेंस विभाग का, वो यहाँ पे मेंशन रहता है नोटिस बोर्ड में। तो यहाँ पे हम लोग रिजल्ट देखेंगे जून सेशन का। तो यहाँ पे है ये, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर मांग रहा है। तो इनरोलमेंट नंबर हमारे एडमिट कार्ड पे होता है, वो इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे। तो एक इनरोलमेंट नंबर हम डाल के देखते हैं जो क्या कैसे रिजल्ट आया है। तो इनरोलमेंट नंबर डाल के शो करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे सामने। इसमें जितना भी फर्स्ट पार्ट का है यहाँ पे, इसके बाद ये फाइनल ईयर का है। तो इसमें यहाँ पे है SC ST जितना में भी लगा हुआ है सब ये पास है। अगर किसी में SC छूट जाता या फिर नहीं कुछ रहता तो ये फेल हो जाता। और नंबर जो है वो भी बढ़िया है, 48, 49, 74, 74 है, इसमें 50, 55 के आसपास है। तो लगभग 65-66% के आसपास होना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज निकालेंगे सबको जोड़ के, 8 पेपर फर्स्ट पार्ट का था, 8 पेपर सेकंड का, तो 16 से भाग देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। इसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद अगर हमारे सामने मतलब इसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे ओपन होगा रिजल्ट। नेट स्लो है जिसके कारण थोड़ा सा टाइम लग रहा है। यहाँ पे अगर प्रिंटर इसमें कनेक्ट है तो यहाँ पे चेंज करके प्रिंटर इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर PDF में सेव करना चाहते हैं तो PDF में सेव करेंगे। ऐसे सेव करने के बाद ये लोकेशन पूछेगा जो कहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं। तो हम फिलहाल डेस्कटॉप पे ही सेव करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, सेव हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।